भाई बहुत बहुत बधाई हो तेरे को बेटा, और आप सबको पूरी तौबा तौबा तेरा जलवा बस, तेरा जलवा हो बस, मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, और आप सबका जलवा हो, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, ये फिल्म अच्छी सफल हो, और बहुत मेहनत और बहुत मशक्क़त से कोई आदमी ये मकाम पा पाता है कि फिल्म बनाए, पहले तो फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हो, फिर यहाँ किसी के संग काम करे, और फिर वो मौका आए, बरसों बरस लग जाते हैं तपस्या करते करते, तो आज इसकी तपस्या सफल हो बस मैं यही चाहता हूँ। ओके जी, नमस्कार, थैंक यू। वैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने फिल्म को लेके, बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, जो एक रोम कॉम है, एक्शन थ्रिलर सब कुछ ऑल टुगेदर, सारा बॉलीवुड मसाला एक साथ, जब आप मूवी देखेंगे आपको पता चलेगा। एंड बहुत मज़ा आया अमीषा पटेल के साथ काम करके, जतिन खुराना के साथ, राजेश शर्मा जी के साथ, सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरे कैरेक्टर का नाम है रिंकू कुमारी, जो एक बहुत ही घरेलू, जिसकी दुनिया उसका पति ही है। सो रिंकू कुमारी इज़ मैडली इन लव विद रोमी त्यागी, एंड हु इज़ अ बिजनेस टाइकून, एंड रिंकू कुमारी शी लव्स बॉलीवुड ड्रामा एंड सीरियल्स। सो उसे अपने पति के लिए तैयार होना बस वही शौक है, जबकि वो काफ़ी नॉटी मिजाज का है, जो काफ़ी सारे अफेयर्स बाहर रखता है। बट दिस इज़ अ मूवी अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, और इन द एंड बिल्कुल सबक मिल जाता है। दोनों ही बहुत हार्ड वर्किंग लड़के हैं, दोनों बहुत खूबसूरत हैं जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और मेरा जो कैरेक्टर है वो रोमी त्यागी, इस कैरेक्टर का नाम है, जो कि एक बिजनेस टाइकून है, रियल एस्टेट में बिजनेस करता है, थोड़ा सा नॉटी है, थोड़ा सा शरारती है, और इस वो बहुत सारे कलर्स है जो आपको सुनने देखेंगे। हाँ, एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, मेरे शक्ल में दिख रही होगी आप लोगों को कि टेंशन तो होती है। इस बार बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है हमने, और मेरा काफ़ी समय के बाद मेरी कोई कमर्शियल फिल्म रिलीज़ हो रही है, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा कुछ और कामों में लगा था, तो ऑफ कोर्स नर्वस हूँ, टेंशन है। बट हाँ, चूँकि आज जैसे गाना आया, आज हमारा जी म्यूज़िक ने गाना रिलीज़ किया, और कुछ ही घंटों में गाने हमारे इतने हिट हो गए हैं, लोगों के बड़े अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं दिल पटियाला, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट है। और अभी हमारे, मैंने अपने बहुत सारे क्रिटिक्स दोस्तों को फिल्म देखने के लिए बुलाया है, जो कि बहुत घनघोर क्रिटिक है, और फिल्म इंडस्ट्री के भी जाने माने टेक्नीशियंस जैसे धर्म गुलाटी जी, रमावीर जी, वो लोग भी आए हुए हैं, अनिल शर्मा जी मेरे जो गुरु हैं, जो मैं जिनको मैंने कदर में असिस्ट किया, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं, तो मुझे बड़ा बहुत घबराहट है कि वो लोग फिल्म देखने के बाद उनका क्या रिएक्शन आता है, वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस का रिएक्शन तो है ही है, लेकिन मुझे डर यह है कि आज ही मेरी कितनी क्लास लगेगी, क्या क्या जो मैंने कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे सीनियर है, मेरे गुरु हैं, तो मैंने उन लोगों को बुलाया है, तो पहला तो रिएक्शन मुझे आज ही मिल जाएगा, तो काफ़ी नर्वस हूँ मैं। वंडरफुल जी, जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने थोड़ा सा, हमारे प्लानिंग में थोड़ा सा जल्दी में हो गया, और उनको US में जाना था, तो वो अभी इस समय US में है ना, तो वो भी शायद आज हमारे बीच में होती यहाँ पर, और बट आई एम श्योर कि वो जिस तरह के आज वो अपने अगर गाने देख रही होगी तौबा तेरा जलवा का, और उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आप जब कल परसों से जब लोगों के ऑडियंस के रिएक्शन आएंगे, आई एम श्योर लव इट, एंड आई एम श्योर उनको अच्छा लगेगा, और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि मैं फिर से उनके साथ काम करूँ, और 22 साल के बाद मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तब उनके साथ काम किया, और एज अ डायरेक्टर अभी उनके साथ काम किया, तो मैं चाहूँगा जल्द फिर दोबारा जल्दी काम करें उनके साथ। देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है, यू नो मैं बहुत ही रिसेंटली आकाशी के साथ मैंने काम किया है, इन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑन समथिंग, तो उनका टैलेंट के बारे में तो उसी में मैंने देखा था, सो नाउ टू सी हिम एज अ डायरेक्टर आई एम रियली इंटरेस्टेड, एंड ऑफ कोर्स अमीषा आफ्टर अ वाइल, यू नो टू सी हम ऑफ कोर्स गदर, बट आफ्टर अ वाइल टू सी हर सोलो एंड समथिंग ग्रेट, एंड ऑफ कोर्स वांटिंग टू सी व्हाट क्या गुल खिलाए हैं ये लोग। और देखने के बाद आपको बताने आया फिल्म में क्या क्या कमियां लगी है, क्या क्या दैट, तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन के लिए भी बुलाया है उन्होंने मुझे, बट थैंक्स फॉर कमिंग, नो नो माय प्लेजर एंटायरली, आई जस्ट विश द होल टीम ऑल द वेरी 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 बेस्ट, एंजॉय द फिल्म। पूरी टीम को बहुत बधाई हो शब्दों का, एंड नए साल की पहली फिल्म जो रिलीज होने जा रही है, जी जी, मैं समझता हूँ कि 2024 में ये फिल्म कम से कम 2024 करोड़ का बिजनेस करे, क्या बात है, क्या बात है, और छा जाए
और आज ही रिलीज हो रही कल फिफ्थ को परसों 5 जनवरी को रिलीज हो रही है। मैं समझता हूँ कि जनवरी डोंट वरी बी हैप्पी। सर मैं तो मौका मिला मुझे इसमें काम करने के लिए लामा सर ने मुझे कास्ट किया। बात करें इज अ वेरी गुड एक्टर, इनके जितने भी सीन अगर आप देखेंगे तो थ्रिल हो जाएगा। इज अ वेरी गुड एक्टर और मैं एक हमारी इंडस्ट्री को एक नया हीरो मिलेगा। थैंक यू सर। डैशिंग हैंडसम स्टार का आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप लोगों की दुआएं सर के लिए। जी हमारी हसीन दिलरुबा पार्ट 2 आने वाली है आनंद दिल राय की है और प्राइम अमेजन पर आने वाली दोपहिया दो प्रोजेक्ट है। यार इक्वली वेरी मच एक्साइटेड एंड आई थिंक बहुत ही टैलेंटेड हैं सर एज अ डायरेक्टर एज अ राइटर और मेरा तो इनका नाता बहुत पुराना है। मैं जब मुंबई में मेरा थिएटर की जो शुरुआत हुई थी वो इन्हीं के प्ले मोहनजोदड़ो से हुई थी। दैट वाज माय फर्स्ट प्ले व्हिच आई डिड विद हिम एंड सिंस देन मैं तो उन्हें आकाश भैया ही बुलाती हूँ। मेरी छोटी भाई ने ही है। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म एंड और भी आगे जितना भी अच्छा उमदा काम करेंगे उसे देखने के लिए। कुछ फिल्म करने का प्लान है सर के साथ अगर फिलहाल करेंगे बिल्कुल करेंगे। मैं ढूंढ ढूंढ के अपने पुराने दोस्तों के साथ काम करता हूँ अपने इसके साथ करूँगा और ये आज आप लोगों के सामने वादा है बहुत जल्दी ये दिखेंगे मेरी फिल्म में। अरे फिलहाल तो आई कांट कमेंट ऑन इट क्योंकि जब तक चीज़ें फाइनल नहीं होती आई कांट से बट फिलहाल तो मैं यहाँ पर सिर्फ इन्हीं के लिए आई हूँ आकाश भैया के लिए और इनके काम की सराहना करने क्योंकि मुझे पता है बेहद खूबसूरत हो।